हेलो गाइस, इंडियन मॉम दीपमाला में आपका स्वागत है और मैं हूँ दीपमाला। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक DIY वीडियो। ये वीडियो है फेस वॉश का। मैं आपके साथ कुछ DIY सीरीज शेयर करना चाहती हूँ, बट आज मैं फेस वॉश से शुरुआत कर रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा फेस वॉश जिसे हमें मार्केट से नहीं परचेज करना या बहुत सारी चीज़ें डालकर नहीं बनाना, जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं। मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं और इजीली आपको प्रोवाइडेड हैं, और उनसे आप जब फेस वॉश करेंगे और रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो आप 4-5 दिन में ही अपने फेस पे बहुत अच्छा निखार देखेंगे, बहुत अच्छा ग्लो देखेंगे। आप देखेंगे कि आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, कलर तो इम्प्रूव हो ही रहा है, बट जो आपकी स्किन का जो टेक्सचर है, जो आपकी स्किन है, वो बहुत ही स्मूथ और क्रिस्टल ग्लास की तरह, मीन्स बहुत ही क्लियर होती जा रही है। तो ये इस फेस वॉश के बेनिफिट हैं और ये इस फेस वॉश से फ़र्क पड़ता है। सो मैं खुद आपको बना के और अपने ऊपर अप्लाई करके बताऊंगी। आप देखिए ये फेस वॉश कैसा है, और मेरी माने तो आप ट्राई करके देखिए 1 वीक या 4-5 दिन आपको कैसा फील होता है। ये 100% वर्क करेगा ही करेगा, और इसको नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। सो मैं आपको बताती हूँ, देन उसके बाद फिर हम आगे की बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लेंगे हम बेसन। ये देखिए मैंने बेसन लिया है, ये मेरा 1 स्पून बेसन है। ये देखिए मेरे पास 1 स्पून बेसन है, और ये मेरे पास वाओ का 100% ऑर्गेनिक एरोवेरा जेल है। सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा एरोवेरा जेल, मीन्स मैंने 3 प्रॉप एलोवेरा जेल लिया है इसमें बेसन में, और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लें और ना चाहें तो नहीं लें। बट अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए और बहुत जल्दी और बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप मेरी मानिए एलोवेरा लीजिए, बिकॉज एलोवेरा आपको कभी भी एलर्जिक नहीं होता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, वो आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग और हेल्दी लगाता है। सो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कीजिए। इसके बाद मेरे पास है दही, देखिए मेरे पास है कर्ड। सो 1 चम्मच जो है, ये देखिए 1 चम्मच मैं यूज कर रही हूँ कर्ड। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे, बिना गांठ वाला एक पेस्ट सा बन जाए, बिल्कुल गाढ़ा सा, जैसा कि हमारा फेस वॉश होता है वैसा। इसके लम्स जो हैं बेसन के, गांठे जो हैं वो खत्म हो जाए, वैसा हम पेस्ट बनाएंगे। सो आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कैसा है। ये देखिए आप, कुछ इस तरह का पेस्ट बनकर रेडी होगा। अब इसे अपना क्लीन फेस मीन्स फेस वॉश तो हम तभी करेंगे जब हमारे फेस को वॉश की जरूरत हो, बट जो मेकअप है वो मेकअप नहीं हो हमारे फेस पे। तो इस टाइम मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, ओनली ये मेरा लिपस्टिक लगा हुआ है। सो इसे अप्लाई करेंगे इस तरह से, हैंड पे लेंगे और इस तरह से। और यकीन मानिए, अगर आप इसे 1 वीक या 5 दिन 4 दिन इसे यूज कर लेंगे तो आपको खुद फर्क नजर आने लग जाएगा। और इसकी एक बहुत अच्छी बात ये है, अच्छी क्वालिटी ये है कि आप अगर बाहर की चीजें यूज करते हैं तो आप उसे इस तरह से, आप उसे जो है रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज कर सकते, बट आप अगर ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं, आप अगर 100% घर की बनी हुई चीजें यूज करते हैं तो आप उसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं, उसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। वो बेसन और दही तो हमारी स्किन के लिए इतना अच्छा होता है कि इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट अपनी स्किन पे नहीं मिलेगा। सो इस तरह से आप
2 मिनट मसाज कीजिए अपने फेस पे। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही हूं। इस तरह से आप 2 मिनट अपने फेस पे इससे मसाज कीजिए। ये देखिए इस तरह से। ये आपका क्लिंजिंग का काम भी करेगा और दही जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करेगा और स्क्रबिंग का काम भी करेगा, बिकॉज इसमें दही है, बेसन है, एलोवेरा है। दही के बहुत ही सॉरी बेसन के बहुत ही माइल्ड पार्टिकल्स होते हैं, सो ये वो काम भी करेगा आपका। अभी आप देखिएगा कि मेरे फेस वॉश करने के बाद मैं कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई करूंगी और आपको बताऊंगी कि ये फेस वॉश कितना इफेक्टिव है। आपको एक ही वॉश में इसका रिजल्ट नजर आएगा। सो ये जो है हमने इससे मसाज कर लिया है। अगर आपका कुछ बच जाता है, नहीं बचता है, तो आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए। बट अगर आपका कोई पैक जो है बच जाता है आपके कटोरी में, तो आप उसे इस तरह से पैक की तरह अप्लाई कर लीजिए। और अगर नहीं भी बचता है तब भी आप इसे 15 मिनट रहने दीजिए पैक की तरह। और अगर बच जाता है तो आप उसे और अप्लाई कर लीजिए और फिर 15 मिनट तक रहने दीजिए। और देन 15 मिनट के बाद आप इसे वॉश कर लीजिए। और आप मेरी गारंटी है कि आप फर्स्ट वॉश में ही देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट, एकदम वाइट सा ग्लो आपको आपके चेहरे पर नजर आएगा। ये देखिए, ये आप इस तरह से अपने ओवरऑल फेस पे, नेक पे अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद आप इसे 15 मिनट रहने दीजिए। 15 मिनट में ये जो है पूरी तरह से पूरी तरह से नहीं, हमें इसे 50% ड्राई आउट करना है। उसके बाद हम अपने फेस पे थोड़ा सा पानी लगाते हुए और रब करके और वॉश कर लेंगे। तो सिर्फ एक ये 15 मिनट का आपका प्रोसीजर है। इसके बाद आप खुद देखिए कि क्या ग्लो आता है, क्या शाइन आता है आपके चेहरे पे। और आप इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और अगर आप इससे फेस वॉश करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आप अपनी स्किन में एक अलग ही डिफरेंट सा ग्लो पाएंगे और आपको नजर आएगा। और डेफिनेटली आएगा, बिकॉज इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने जिन्हें भी ये पैक बताया है और जिन्होंने भी मेरे कहने से ये पैक यूज किया है, सो इसके रिजल्ट्स उनकी स्किन पर बहुत अच्छे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक कलर की बात करते हैं, तो ये कलर को तो इम्प्रूव करेगा, 100% करेगा। धीरे धीरे आपके स्किन टोन में, आपके कलर में आपको कुछ ना कुछ फर्क जरूर नजर आएगा। बट आपकी जो स्किन का टेक्सचर है उसको ये बहुत अच्छा कर देता है, बहुत अच्छा। आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट, सपल, स्मूथ, बहुत अच्छी लगने लगती है। सो ये उसको बहुत अच्छा कर देता है। अब मैं वेट करूंगी इसके 15 मिनट ड्राई आउट होने का। सो देन ड्राई होने के बाद मैं आपको वॉश करके और दिखाती हूँ कि ये फेस पैक मेरे फेस पे कैसा रहा और इसका ग्लो कैसा है। देखिए मैंने फेस वॉश कर लिया है और अभी मैं आपको अपना वेट फेस ही बता रही हूँ ताकि आपको लगे कि मैंने कोई भी मेकअप नहीं अप्लाई किया है। और आप मेरा फेस देखिए, देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है मेरे फेस में, मेरी स्किन टोन में। और ये देखिए मैं अब आपके सामने पैट ड्राई कर रही हूँ अपने फेस को। ये देखिए कितनी स्मूथ लग रही है मेरी स्किन। मुझे मेरी स्किन बहुत ही स्मूथ लगने लगी है और देखिए स्किन टोन में भी डिफरेंस आया है। सो ये फेस वॉश आपके लिए डेफिनेटली वर्क करेगा। बस आप इसे यूज करिए। आप इसे अगर 2-4 दिन भी यूज करेंगे, आपको फर्स्ट वॉश में इतना डिफरेंस नजर आ रहा है,
सो अगर आप इसे दो चार दिन भी यूज करते हैं तो ये आपको डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा और आपकी स्किन का टेक्सचर इससे बहुत अच्छा होगा। और आप इसे रेगुलर यूज कर सकते हैं, आप इसे वंस अ डे यूज कर सकते हैं, ट्वाइस अ डे यूज कर सकते हैं, या आपको कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, आपकी स्किन को बहुत हेल्दी और गुड लुकिंग बनाएगा। और सुंदर तो आप है ही, बट एक हमारी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने वाली बात है तो ये डेफिनेटली करेगा। और अगर आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज 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 शेयर माय चैनल। सो टिल देन बाय।